सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सी टैट की जुलाई 2024 के लिए हमारी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण की ये पांचवी क्लास है। इस क्लास में हम कुछ प्रमुख पेड़ पौधों की बात करने वाले हैं, जैसे घटपर्णी पौधा, ड्रोसेरा, डायोनिया, रेगिस्तानी ओक, कसावा, खेजड़ी वृक्ष, बरगद, ये सब क्या होते हैं इनकी हम बात करेंगे। और यहाँ से सी टैट किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखो हम यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ों की बात करेंगे, पेड़ पौधों की, कि पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है। सीधी सी बात है, आपको पेड़ पौधों के नाम को पढ़ना और उनकी विशेषताओं को रट लेना है। सी टैट पढ़ी आपसे कितनी बार ये कही कि रटना नहीं होता, लेकिन आपको रटना पड़ेगा अगर इसमें ईवीएस के पेपर में आपको पास होना है। तो सब पेड़ों की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं, वे विशेषताएँ आपको रट लेनी है। घटपर्णी पौधा, निफेंथिस प्लांट, जिसे पिचर प्लांट बोलते हैं, ये हमारा घटपर्णी पौधा होता है। इसमें कुछ इस तरह की सुराई लगी हुई होती है, ये कीटों को खाता है। इस सुराई में अब कीटों का ये शिकार करता है इस सुराई के द्वारा। यह एक कीट भक्षी पौधा है। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये घटपर्णी पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में, कहाँ पर? मेघालय में। घटपर्णी पौधा की पत्तियाँ हरी होती है, जिस वजह से ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के बाद भी नाइट्रोजन ये पूरी नहीं कर पाता अपनी, जिस वजह से ये जो कीटों का शिकार करता है। कीटों का शिकार क्यों करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है। इसमें सुराहे घड़े की तरह की कुछ आकृतियाँ होती है, जिनके मुख पर सैद लगा होता है। तो इस पेड़ों में इस तरह से कुछ आकृतियाँ होती हैं, सुराही घड़े की तरह की। इसका जो मुख है ये यहाँ पर शहद लगा होता है, जिससे महक जाती है। कीट जो होते हैं, कीट पतंग जो उड़ते रहते हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह, वे शहद की खुशबू से आकर्षित होकर इस शहद को खाने के लिए आते हैं। लेकिन इस सुराही की जो दीवार होती है वो चिकनी होती है, तो यहाँ पर ये दीवार चिकनी होती है। जैसे वे शहद को खाने के लिए आते हैं तो दीवार चिकने होने के कारण इस सुराही में नीचे गिर जाते हैं। इस सुराही में तरल पदार्थ भरा रहता है, जो इन कीटों को पचाने का कार्य करता है। तो ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, कीट इस तरल पदार्थ में गिर जाते हैं और ये तरल पदार्थ है ये उन्हें पचाता है और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। यह छोटे कीटों को फंसा सकता है, मक्खियों को फंसा सकता है और मेंढक वगैरह को भी फंसा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटे कीटों को ही फंसा कर खाएगा, ये मेंढक आदि को भी फंसा कर खा सकता है। इन सुराहियों के मुख पर एक ढक्कन ढका होता है, अगर कोई कीट उड़ने का प्रयास करे तो ये ढक्कन से टकरा कर वो पुनः सुराही में गिर जाता है। बाकी उड़ तो पाता ही नहीं है वो, लेकिन ये फिर भी सुरक्षा के लिए होता है। तो ये हमारे घटपर्णी पौधे की विशेषता होती है। ये एक तरह से हमारा ऐसा नरभक्षी ऐसा पौधा होता है जो जीवों को खाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे कीट भक्षी पौधे की, ड्रोसेरा। इसे ड्रोसेरा बोलते हैं हम, संडियो। तो ऐसा होता है, देखो ड्रोसेरा पौधा, ये ड्रोसेरा है, लेकिन अगर इसकी किसी एक कली को देखें हम तो वो ऐसी दिखती है ड्रोसेरा की। तो ये भी एक कीट भक्षी पौधा होता है, नाम याद रख लेना ये कीट भक्षी पौधा के। ये उत्तरी भारत में शिमला, नैनीताल और मसूरी आदि जगहों पर पाया जाता है। इस पौधे की पतली लाल रंग की पत्तियाँ, इस पौधे में लाल रंग की पतले लाल रंग की पत्तियाँ होती हैं, लीफ होती हैं ये। इन पत्तियों पर चिपचिपा रस लगा होता है जो धूप में चमकता है। देखो ये धूप में चमक रहा है, ये पत्तियाँ लाल रंग की, इन पर चिपचिपा रस लगा हुआ है। इस चमक से कीट इस पौधे की ओर आकर्षित होते हैं और वे इस पत्तियों पर बैठते हैं, तो इस रस की वजह से वे चिपक जाते हैं इन पत्तियों पर ही और उड़ नहीं पाते हैं। और फिर इन फंसे हुए कीटों को ये जो पौधा होता है ये खाता है। जैसे एक कीट फंसा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पौधा अब इसको अवशोषित करेगा। नेक्स्ट डायोनिया की बात कर लेते हैं, डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये डायोनिया होता है ऐसा, यह भी एक कीट भक्षी पौधा होता है। ये अमेरिका में पाया जाता है। इसकी लाल रंग की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। जैसे ही कोई मक्खी, मधुमक्खी या कोई कीट पतंग इन पत्तियों पर बैठता है तो ये पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। इन पत्तियों की देखो ये खुली हुई हैं, ये दोनों खुली हुई हैं, ये आपस में इस तरह चिपक जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी। तो जैसे ही कोई कीट इन पत्तियों पर बैठता है ये बंद हो जाती हैं, और उसके बाद ये पौधा उन कीटों का अवशोषित करता है। जब वो कीट अवशोषित हो जाता है तो ये पत्तियाँ दोबारा खुल जाती हैं और उसके बाद वह कीट हवा वगैरह में उड़कर नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पेड़ की, जो कि हमारा रेगिस्तानी ओक। इम्पोर्टेंट है सी टैट के लिए।
जो रेगिस्तानी ओक है ये मध्यम आकार का पेड़ होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में पाया जाता है। ध्यान रखना है दोनों जगह आपको याद रखनी है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पर बहुत पतली पर कम संख्या में पत्तियाँ होती हैं, तो इस पर पतली पतली पत्तियाँ होती हैं और कम होती है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 फीट होती है, लगभग 4 मीटर हमारे कमरे की ऊंचाई जितना ऊंचा होता है ये। इसकी जड़ें इस जो ज़मीन में है इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहरी चली जाती हैं, मतलब जो भूमि का जल है उसके लेवल तक चली जाती हैं इसकी जड़ें, और इसकी जड़ें भूमि में तब तक जाती रहती हैं तब तक उन्हें भूजल न मिल पाए, तब तक उन्हें भूजल या भूमि में जो अंदर जल है हमारा उस तक में न पहुँच जाएँ। इसके तने में इसकी जड़ के पास पानी इकट्ठा होता रहता है जिसे स्थानीय लोग पाइप लगाकर पीते हैं, क्योंकि इसके जड़ें हमारे नीचे पृथ्वी के अंदर जो पानी है वहाँ तक चली जाती हैं तो वे जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, तो इस वजह से इसके आसपास यहाँ पर तने में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी स्वच्छ होता है तो स्थानीय लोग उसे पीते हैं। यह रेगिस्तानी ओक होता है, इसकी ये सारी विशेषताएँ ध्यान रखना आपको रटनी पड़ेगी। अब खेजड़ी वृक्ष की बात कर लेते हैं, ये भी रेगिस्तानी ओक की तरह होता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है लेकिन ये इंडिया से बाहर होता है, ये इंडिया में होता है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना ये डिफरेंस इन दोनों का, नहीं तो बच्चे पेपर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब खेजड़ी वृक्ष की बात कर लेते हैं हम अपने खेजड़ी वृक्ष की, ये खेजड़ी का वृक्ष होता है, ये राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है, हमारे राजस्थान में पाया जाता है ये, इसे अधिक जल की ज़रूरत नहीं होती बढ़ने के लिए। यह वृक्ष छायादार होता है और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, इसकी फलियों से सब्जी भी बनती है। इस वृक्ष की छाल का प्रयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं पड़ते। जो खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक गाँव पड़ता है खेजड़ली, वहाँ पर पाया जाता है, तो खेजड़ी गाँव या फिर खेजड़ली गाँव में ये वृक्ष पाया जाता है ज़्यादातर। जो खेजड़ी गाँव है हमारा या खेजड़ली गाँव कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, वहाँ पर शिकार करना और पेड़ काटना मना है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वे बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं खेजड़ली गांव में, और खेजड़ली गांव कहाँ पड़ता है, राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है, और बिश्नोई समाज के लोगों को आप जानते हैं वे काले हिरन की पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, सलमान खान ने काला हिरन मार दिया था तो बिश्नोई समाज के लोग अब तक सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। खेजड़ी गांव में शिकार करना व पेड़ काटना सख्त मना है। खेजड़ी गांव के लोग ये कहते हैं कि पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। 1930 में क्या हुआ था, जोधपुर के एक राजा थे अभय सिंह, उन्होंने अपने महल बनवाने के लिए मजबूत लकड़ी लाने के लिए कहा सिपाहियों से, मजबूत लकड़ी खेजड़ी वृक्ष की होती है इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, तो इन्होंने राजा अभय सिंह ने जोधपुर के राजा ने 1730 में, ये 1730 है, तो 1730 में जोधपुर के राजा अभय सिंह ने महल बनवाने के लिए लकड़ी लाने के लिए कहा, खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए कहा, तो ये सब खेजड़ी गांव गए इसके सिपाही राजा के खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए, तो वहाँ पर अमृता देवी और कुछ महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी और इन पेड़ों को कटने से बचाया था कुछ हद तक तो, लेकिन बाकी राजा के जो सैनिक थे उन्होंने महिलाओं सहित इन पेड़ों को काट दिया था, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने फिर भी इन पेड़ों को बचाने का कार्य किया था। ये खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएँ हैं और ये इससे जुड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये याद रख लेना आप, ये खेजड़ी वृक्ष है और वो रेगिस्तानी ओक है वो अलग है, ये अलग है। बरगद की बात कर लेते हैं, बरगद बहुत प्राचीन वृक्षों में से एक होता है, यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसकी जड़ें ज़मीन में भी होती हैं, जो बरगद की जड़ें होती हैं वो ज़मीन में भी होती हैं, लेकिन इसकी शाखाओं से भी लटकती रहती हैं, तो इसकी जड़ें इसकी जो शाखाएँ हैं उनसे भी नीचे लटकती रहती हैं। वृक्ष की लटकती शाखा से जो दिखने वाली संरचना है, तो इस वृक्ष की जो शाखाएँ हैं उससे जो लटकने वाली ये संरचनाएँ हमें दिख रही हैं ये शाखा नहीं होती, ये उसकी जड़ें होती हैं। ये लटकती जड़ें जो होती हैं ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं और ये इस पेड़ को मजबूती प्रदान करती है खंभे की तरह, तो ये हमारे बरगद है, बरगद की विशेषताएँ हैं। इसकी भूमि में भी जड़ें होती हैं और ये बहुत पुराना वृक्ष होता है हमारे आसपास क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा होती है इसकी, और ये क्या होता है इसकी शाखाएँ होती हैं, इन शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं जो इसकी सहारा देती हैं, इसे इसकी जो ये शाखाएँ हैं ये टूट जाएंगी नीचे तो ये जड़ें सहारा देती हैं। नेक्स्ट है सरसों, मस्टर्ड के बारे में जानते हैं। सरसों की पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। कसावा टैपियोका, देखो ये कसावा होता है केरल वगैरह में होता है, इसी से हमारा साबूदाना बनता है, तो कसावा जो होता है वो तना होता है, तो साबूदाना भी हमारा तना होता है, ध्यान रखना।
पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, साबूदाना क्या होता है, तना होता है, बीज होता है, क्या होता है। तो ये तना होता है साबूदाना, कसावा, साबूदाना, टैपियोका, तीनों को आप एक चीज़ मानकर चले। भारत के दक्षिण इलाकों में जैसे केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, ऐसे घर के आंगन में भी उगाते हैं केरल वाले। केरल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, इससे साबूदाना भी बनता है और इसे भी हम खाते हैं। साबूदाने को हम व्रत वगैरह में खाते हैं, तो ध्यान रखना केरल में उगता है ये। टैपियोका होता है, टैपियोका ऐसा होता है भूमि के नीचे होता है, और ये क्या होता है, ये तना होता है। पूछ लिया जाता है कि टैपियोका क्या होता है, तना होता है या जड़ होता है या बीज होता है, ये तना होता है। क्रोटन का पेड़, देखो क्रोटन का पेड़ छोटा सा होता है इतना सा, तो इसे घरों में और ऑफिस वगैरह में लगाते हैं हम। इसकी खास बात ये होती है इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी भूमि में नहीं जाती, जैसे यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है तो इसकी जड़ें लगभग इतना ही नीचे जाएंगी। तो इसकी इस विशेषता का यूज हम खेतों में करते हैं। कैसे करते हैं, हमारी जो फसल है उस फसल के बीच में हम कुछ क्रोटन के पेड़ बो देते हैं, तो जैसे ही हमारी फसलों में पानी की कमी होती है, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे गहरी भूमि में नहीं जाती, तो इसकी पत्तियाँ जल्दी मुरझाने लगती हैं और हमें पता चलता है कि हमारी भूमि अब सूखने रही है, धीरे धीरे सूखने वाली है और हमारी फसल को पानी की आवश्यकता है। तो हमारी फसल को कब पानी की आवश्यकता है उसकी जानकारी के लिए हम अपने पेड़ों में क्रोटन का पेड़ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी भूमि में नहीं जाती, और जब इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी भूमि में नहीं जाती इस वजह से हल्का सा पानी जब भूमि में कम होता है, ऊपर की लेयरी भूमि की सूखती है, तो इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती है, तो हमें पता चलता है अब हमारी भूमि सूखने वाली है, पानी कम होने वाला है हमारी फसल में। यह पेड़ किसी दूसरी फसल के साथ बोया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ऊपर ही रहती है। जमीन हल्की सी सूखने पर ही इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं। इसकी पत्तियां अगर मुरझाने लगती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो फसल है जो इस पेड़ के साथ हमने बोई हुई है उसे पानी की आवश्यकता है। इस पेड़ को हम घरों में और ऑफिस में भी लगाते हैं। अब पीपल के पेड़ की बात कर लेते हैं। देखो जो पीपल का पेड़ है वो घरों में जो दीवारें होती हैं उनमें उग जाता है, जमीन में पर भी उगता है, ऐसा है कि जमीन में नहीं उगता, ये जमीन में भी उगता है लेकिन घरों की जो दीवारें हैं वहाँ पर भी ये उग जाता है। लेकिन एक इसकी खास बात है कि ये रात और दिन दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, जो गलत बात है। पीपल का जो पेड़ होता है वो दिन में और रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन नहीं देता है। पीपल का पेड़ बस दिन में ऑक्सीजन देता है, रात में ये ऑक्सीजन नहीं देता है। इसकी खास बात क्या है, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देता है। जैसे दूसरे पेड़ ये वाले रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। इसकी शिरा विन्यास में जो इसके पोर्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन फंसी रहती है थोड़ी थोड़ी सी, ये उस ऑक्सीजन को यूज करके अपने रात काट लेता है और दिन में दोबारा फिर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। रात में ऑक्सीजन का निर्माण ये नहीं करता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण नहीं करता है, ध्यान रखना दोनों बातें अलग हैं। पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन नहीं देता है, कोई आपसे पूछ ले तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, बस इसकी ये खास बात है। दूसरे पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, इसी वजह से हिंदू धर्म में से पूजा जाता है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। देखो सोयाबीन क्या होता है, बीज होता है, ये एक बीज होता है, आप जानते हैं सोयाबीन की फली होती है, फली में से बीज निकलता है। अब इस बीज में से अगर हम तेल निकाल लेते हैं तो सोयाबीन की जो खल बच जाती है उसे हम बोलते हैं सोयाबीन की बड़ी, लूज सोयाबीन बोलते हैं, इसे सोयाबीन बड़ी बोलते हैं या फिर सोयाबीन की खल बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसे सोयाबीन नहीं कहते हम, इसे तो सोयाबीन के बीज कहते हैं और इसे सोयाबीन के खल या फिर सोयाबीन बड़ी बोलते हैं। ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये इनके नाम वगैरह हैं। सोयाबीन एक बीज होता है, इसकी फलियाँ पकने के बाद फट जाती हैं और इसके बीज बाहर निकल जाते हैं, ये बात सी टैट पूछता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा केला। तो ये केला होता है, केला साख होता है, मतलब घास, केला घास होता है। जिस प्रकार घास, हमारा घास की क्या विशेषता होती है, घास में से शाखाएं नहीं निकलती हैं, जैसे पेड़ों में से शाखाएं निकलती हैं ना पौधों में से, तो घास एक पौधा होता है लेकिन ऐसा पौधा होता है जिसमें से शाखा नहीं निकलती है। तो केला भी एक ऐसा पौधा होता है जिसमें से शाखाएं नहीं निकलती हैं, सीधा एक मेन स्ट्रीम होती है और उसमें से डायरेक्ट पत्तियाँ निकलती हैं। तो केले के फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। केले का जो ये फूल है ये भी खाया जाता है, इसका जो ये फल है ये भी खाया जाता है, और केले के फल की सब्जियां बनाई जाती हैं। तो ये केले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें टहनियां नहीं होती हैं, ध्यान रखना आप। हम केले के फल की और फूल की सब्जी बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बांस की, बैम्बू की। जो बांस होता है ना वो भी हमारा घास ही होता है, ध्यान रखना ये बात भी। इसका उपयोग हम डब्बे वगैरह बनाने में, मकान बनाने में, पुल वगैरह बनाने में करते हैं बांस का उपयोग।
अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं हमारे पेड़ों के बारे में। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो बेल होती है, ये जो खुद अपना खाना नहीं बना सकता, ये परपोषी परजीवी होता है। देखो ज़्यादातर पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसी बेल होती है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, ये दूसरे पौधों से अपना खाना छीनती है। और जो ज़्यादातर जीव होते हैं वे खाना दूसरों के लिए अपने दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन युगलिना एक ऐसा जीव होता है जो अपना खाना बना देता है। तो अमरबेल और हमारा युगलिना, ये दो अपवाद हैं हमारे, और भी हो सकते हैं लेकिन सीटाट यही दो पूछता है। युगलिना जीव है जो खाना खुद बनाता है, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अपना खाना नहीं बनाता। अमरबेल क्या करता है, ये येल्लो येल्लो दिख रही है बेल, ये अमरबेल है। अमरबेल किसी दूसरे पेड़ पौधे पर लिपट जाता है, उसकी टहनियों वगैरह पर लिपट जाता है, और उसकी टहनियों से उसका जो पेड़ पौधे का भोजन है वो अवशोषित करता है और खुद जीवित रहता है। निम्न फलों के भीतर बीज होते हैं, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये पूछ लेता है सीटेट, इनमें से कौन से फल के अंदर बीज होते हैं, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। करेले के अंदर भी बीज होते हैं, खीरे के अंदर भी बीज होते हैं, बारीक बारीक से होते हैं। घर या ऑफिस के अंदर हम कौन कौन से पौधे लगाते हैं, एक तो मनी प्लांट लगाते हैं, एक एलोवेरा लगाते हैं और क्रोटन लगाते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं, सीटेट पूछेगा। ये सारी चीज़ें सीटेट ने कई बार पूछी है, तभी मैंने यहाँ पर लिखी है ये। इन पौधों की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, नीम, कीकर और खेजड़ी, ध्यान रखना। दवा में प्रयोग किए जाने वाले फूल कौन से होते हैं, गुलाब, केसर, अजवाइन, नीम, तुलसी, सर्पगंधा, इनका यूज हम दवाओं को बनाने में करते हैं। नीम के पेड़ का प्रयोग हम कीटनाशक बनाने में करते हैं, ध्यान रखना। इत्र, सेंट बनाने में हम गुलाब और चमेली के फूलों का यूज करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना आप। रात में जो फूल खिलते हैं वे सुगंधित होते हैं और सफ़ेद होते हैं, जो फूल रात में खिलेंगे वे सुगंधित मिलेंगे और सफ़ेद मिलेंगे। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ये लोग अपने बागीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और हमारा टैपियोका, ये चीज़ें उगाते हैं केरल में, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, ये क्या है, जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की एक फसल है, सीटेट पूछ लेता है ये लाइन, बायोडीजल की फसल है जो जेट्रोफा है। और बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेंडर पौधा है। तो ये बातें जैसी लिखी हुई हैं ऐसे ही आपको रट देनी है, सीटेट सेम रटी हुई आपसे पूछेगा। तभी आज की हमारी क्लास थी, अब देख लेते हैं यहाँ से सीटेट किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निफेंटिस एक पौधा है जो मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को, चूहों को, छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। देखो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में ये पौधा पाया जाता है, और हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है, इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में हमें सही तथ्य चुनना है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है, इंडिया में नहीं। तो ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, गलत बात है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक चली जाती हैं कि उन्हें पानी न मिल जाए, सही बात है। इस पेड़ की जड़ों में तनों के आसपास पानी इकट्ठा होता रहता है, स्थानीय लोग उसे पीते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका सेकंड पॉइंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो सेकंड इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा खेजड़ी एक वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष अमृता देवी वाला, जिसके आसपास अमृता देवी और खेजड़ी गांव वाले, बिश्नोई समाज वाले लिपट गए थे, ये हमारे राजस्थान में पाया जाता है, जोधपुर इलाके में। तो जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना हमें, यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही बात है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात सही है। छायादार वृक्ष है, बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, ये बात सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइपों से इसे पीते हैं, गलत बात है। जल एकत्रित रेगिस्तानी ओक करता है, खेजड़ी नहीं करता है। तो इसका चौथा गलत है, पहले तीन सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घटपर्णी पौधा जो निफेंटिस होता है वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनियाँ निकालता है, गलत बात है। का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, ये भी गलत बात है। भारत में नहीं पाया जाता, ये भी गलत बात है। मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये बात भी सही है, इसका आंसर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निफेंटिस एक पौधा है जो शिकार करता है, उसके बारे में कौन सी चीज़ सही है वो हमें बताना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अब हमें इसमें से सही तथ्य ढूंढने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सही है, निफेंटिस पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है।
इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये बात भी ठीक है इसकी। इसका जो सुराही टाइप में होती है उसके ऊपर एक पत्ती होती है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, नहीं यह चूहे को और मेंढक को भी खा जाता है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता ये। यह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज़ें निकालता है, ये भी बात गलत है। तो इसका पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीट बक्षी पौधा कौन सा नहीं है? डायोनिया है, ड्रोसेर है, गठपन्नी पौधा, रेगिस्तानी ओक नहीं है। इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बरगद की जो जड़ें होती हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है? इसकी जड़ें शाखाओं से लटकती हैं, सही बात है। इसकी जड़ें जमीन में भी होती हैं, सही बात है। जड़ें भोजन का संग्रहण करती हैं, गलत बात है। इसकी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, सारा ये बात सही है। तो इसकी सही है, इसकी जड़ें भोजन का संग्रहण नहीं करती। भोजन का संग्रहण हमारी जो मूली होती है, गाजर होती है, शलजम होती है, उन पौधों की जड़ें करती हैं, इसकी नहीं करती बरगद की। इस पौधे में पत्तियां हैं, सब्जी बनाते हैं और इसके बीजों से तेल निकालते हैं, तो ये क्या है? सरसों का पौधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ नहीं है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से इस क्लास से पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने सीटैट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटैट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।